बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना PSY516 का करेंगे लेक्चर नंबर 7। आज के लेक्चर में हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जिन लोगों ने स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है वो चैनल के होम पेज से फर्स्ट वीडियो देख लें डिस्कॉर्ड वाली, या आप लोग चैनल पर लिख के सर्च कर लें हाउ टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप्स ऑफ हालिम, तो इसे भी आप लोग सर्च करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ब्लू कलर का उस पर थंबनेल लगा हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा, उसके मुताबिक उसको फॉलो करते हुए कि आप लोग हमें डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज की इस वीडियो की तरफ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था ना कि हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है कि हम लोग अपने जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसके तमाम तरह स्कोर्स को हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे टेबल की फॉर्म में करेंगे चाहे हम लोग ग्राफ की फॉर्म में करें। तो रिसर्चर्स जब डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं स्कोर्स को या मेजरमेंट्स वगैरह को, तो फिर उसको क्या करते हैं कि स्कोर्स को ज़्यादा ऑर्गेनाइज करते हैं एक कंप्रीहेंसिबल फॉर्म में, ताकि डेटा को इजीली खुद भी देख सकें और दूसरों को भी समझा सकें, दूसरों को भी दिखा सकें। तो ऑर्गेनाइज डेटा को सिंप्लीफाई करना और डेटा की प्रेजेंटेशन वगैरह, उसकी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। सबसे पहली जो चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रोसीजर होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, एक ऑर्गेनाइज किस्म का आप लोग टेबल बना लेते हैं जिसमें आप लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बता देते हैं हर कैटेगरी के हिसाब से। यानी कि पहले आप लोग कैटेगरीज बना लेते हैं, ठीक है, फिर आप लोग आगे हर कैटेगरी के आगे लिख देते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इस कैटेगरी के अंदर इतने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप लोग क्या करते हैं कि एक पहले ऐसे सेट ऑफ स्कोर्स जो कि डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको लेते हैं आप लोग, उसको आप लोग हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑर्डर में लिख लेते हैं। यानी कि पहले हाईएस्ट वैल्यू, फिर उसकी उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू आप लोग लिख लेते हैं। और फिर जिन इंडिविजुअल्स की स्कोरिंग बिल्कुल सेम होती है उसको आप लोग एक ही ग्रुप के अंदर रख देते हैं। हाईएस्ट स्कोर फॉर एग्जाम्पल है 10 अगर किसी डेटा सेट के अंदर। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यूज, वो वाले तमाम तर स्कोर्स जो कि टेंस में आएंगे उसको आप लोग क्या कर देंगे, 10 की कैटेगरी के अंदर लिख लेंगे। जो नाइन्स में आएंगे उनको आप लोग 9 की कैटेगरी में लिख लेंगे। जो 8s में आएंगे उसको आप लोग 8 की कैटेगरी के अंदर लिख लेंगे। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे, पहले कैटेगरीज बनाएंगे ना 10, 9, 8, इस तरह से। फिर लोग ये देखेंगे कि आप लोगों के डेटा सेट के अंदर 10 कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 4 हैं तो 10 के आगे आप लोग 4 लिख देंगे। फिर आप लोग ये देखेंगे कि आप लोगों के डेटा सेट के अंदर 9 कितने हैं, 9 अगर हैं 6 तो आप लोग 9 के आगे 6 लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से ये होता है कि जो रिसर्चर होते हैं एक ही नज़र में पूरे के पूरे सेट ऑफ स्कोर्स को देख सकते हैं। ज़्यादातर जो स्कोर्स होते हैं वो हाई से लो की तरफ जनरली जो है वो उनको किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे किसी भी किस्म के, अगर कोई स्कोरिंग वगैरह हो, कोई वैल्यूज हो, पॉइंट्स की फॉर्म में भी होता है डाटा और उसके बाद डिस्क्रीट वैल्यूज भी होती हैं। खैर कोई भी हो, आप लोग उसको क्या करते हैं, एक हाई टू लो वैल्यू में आप लोग उसको लिख लेते हैं। अब उसके बाद इससे क्या होता है कि आपको एक अपने पूरे तमाम तरह डेटा की एक ऑर्गेनाइज्ड सी पिक्चर मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग या तो टेबल की फॉर्म में भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं या ग्राफ की फॉर्म में भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो इसके अंदर दो एलिमेंट, चाहे आप लोग टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं या चाहे आप लोग ग्राफ की फॉर्म में अपने डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं, दो एलिमेंट्स दोनों में सेम ही होते हैं। कौन से सेम होते हैं, एक आप लोग कैटेगरीज का सेट बना लेते हैं और उस कैटेगरीज के सेट के आगे आप लोग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वगैरह या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वगैरह आप लोग लिख लेते हैं। इस तरह से आप लोग एक ओरिजिनल मेजरमेंट स्केल बनाते हैं पहले, ठीक है। सेट ऑफ कैटेगरीज ही हमारा एक ओरिजिनल मेजरमेंट स्केल होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कैटेगरी बनाते हैं वैल्यूज 10 to 19, अगली वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं 20 to 29, इस तरह से हम लोग इस तरह से कैटेगरीज बना लेते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज होती है इसमें कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लिखनी होती है कि हर कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने होते हैं। तो दो एलिमेंट्स कौन से सेम हुए कि एक तो सेट ऑफ कैटेगरीज आपने बनानी होती है और दूसरा आपने हर कैटेगरी के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बताने होते हैं। तो ये दो चीजें होती है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना होता है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि इसमें आप लोग एक पिक्चर दिखा रहे होते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या कैसे मुख्तलिफ किस्म के स्कोर्स एक मेजरमेंट स्केल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम लोग इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये वो टेबल्स होते हैं जिसमें जिसमें मेजरमेंट स्केल होते हैं, ठीक है। मेजरमेंट स्केल आप लोग कैसे बनाते हैं कि जो डिफरेंट जो मेजरमेंट कैटेगरीज होती हैं उसको आप लोग लिस्ट डाउन कर लेते हैं एक कॉलम में हाईएस्ट टू लोएस्ट फॉर्म में,
और उसके बाद आप लोग ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एक मेजरमेंट हमारे डेटा के अंदर एग्जिस्ट करती है, और फिर उसके मुताबिक आप उसको हर कैटेगरी के अंदर लिखते चले जा रहे होते हैं। इसमें आप लोग एक्स को एज अ कॉलम हेडिंग यूज करते हैं स्कोर्स के लिए, यानी कि जहां पे आप लोग ने स्कोर्स वगैरह लिखने होते हैं वहां पे आप लोग उसको क्या लिख देते हैं, एक्स उसकी जो हेडिंग होती है। और टेबल के अंदर जहां पे आप लोगों ने फ्रीक्वेंसीज लिखनी होती हैं के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं हर कैटेगरी के अंदर, उस कॉलम के ऊपर आप लोग हेडिंग देते हैं एफ की। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसीज। और आप जो एक लिस्ट बनाते हैं कैटेगरीज को, आप लोग हाईएस्ट टू लोएस्ट बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी हैं जो कि कैटेगरीज को लोएस्ट टू हाईएस्ट भी बनाते हैं। इसमें दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आप लोगों के लिए समझना, एक होती है प्रोपोर्शन और दूसरी होती है परसेंटेजेस। प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी हर स्कोर का, हर स्कोर की कितनी फ्रैक्शन है एज कम्पेयर टू द टोटल डेटा, ठीक है, किस चीज़ का कितना तनासब है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कहते हैं कि दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी है, फोर है, ठीक है, एक्स कितनी है, फोर, वो फोर की कैटेगरी के अंदर दो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये कहते हैं टू आउट ऑफ टेन पीपल हैं, टोटल लोग कितने हैं, दस है ना, दस में से दो लोग ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज कितनी है, फोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू डिवाइडेड बाई टेन कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.20। ये हमारी होती है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। प्रोपोर्शंस में फ्रीक्वेंसी को ही हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं विद रिलेशन टू द टोटल नंबर, इसलिए हम लोग इसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। ज्यादातर ये डेसिमल्स की फॉर्म में इसका आंसर आता है। प्रोपोर्शंस का जो कॉलम होता है उसकी हम लोग जो हेडिंग देते हैं वो हम लोग पी से देते हैं। और आगे दूसरा जो एक कंसेप्ट होता है वो होता है परसेंटेजेस का। हम लोग प्रोपोर्शंस के हिसाब से तो हम लोग बताते ही हैं चीज़ों को, लेकिन हम लोग परसेंटेजेस के हिसाब से भी बताते हैं। परसेंटेज किसी भी चीज़ की फाइंड आउट करनी हो आप लोगों ने परसेंटेज, तो आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे ऊपर वाली एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है ना कि दस में से दो लोग हैं जिनकी वैल्यू फोर है। अब आप लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कितने परसेंट लोग हैं जिनकी वैल्यू फोर आ रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, दो लोग हैं ना टोटल, तो टू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, टेन, टू डिवाइडेड बाय टेन, और सिंपली उसी को आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे हंड्रेड के साथ, ठीक है। टू डिवाइडेड बाय टेन प्रोपोर्शन का भी फॉर्मूला था ना, परसेंटेज फाइंड करने का दोनों तरीके एक ही जैसे हैं। प्रोपोर्शन को आप लोग डायरेक्टली हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फ्रीक्वेंसी को पहले आप लोग टोटल नंबर्स के साथ डिवाइड करें फिर आप लोग उसको हंड्रेड के साथ मल्टीप्लाई करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर जिस कॉलम में आप लोगों ने परसेंटेजेस लिखनी होती हैं उस कॉलम के हेडिंग को आप लोग परसेंट साइन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इन्होंने पूरे टेबल भी बनाया हुआ है। ये हमारे पास कितनी है, हमारे पास डेटा सेट है 5, 4, 3, 2, 1। आगे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी बता दी, 5 वैल्यूज कितने लोगों की है, 1, 4 वैल्यू कितने लोगों की है, 2 लोगों की, 3 वैल्यू कितने लोगों की है, 3 लोगों की, इस तरह से। फिर आप लोगों ने प्रोपोर्शन बतानी है, प्रोपोर्शन में आप देखें टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, टोटल यहाँ कितने बन रहे हैं, इसको आप लोग ऐड कर लें फ्रीक्वेंसी को, 3 + 3 = 6 + 2 = 8, 8 + 1 = 9 और 1 + 1 = 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 10। इसकी प्रोपोर्शन कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है, 10, 1 डिवाइडेड बाय 10 आ गई हमारे पास प्रोपोर्शन, 2 डिवाइडेड बाय 10 फिर प्रोपोर्शन आ गई। और आप लोग परसेंटेजेस को कैसे फाइनल करेंगे, यही जो आप लोगों की प्रोपोर्शन आई है इसी को आप लोग परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो आप लोगों के पास परसेंटेज आ जाएगी। ये तो सिंपली हमारा होता है डेटा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा को की, हम लोगों ने कोई ग्रुपिंग नहीं की हुई होती, सिंपली हम लोगों ने लिख दिया हमारे जितना भी डेटा होता है पूरे का पूरा नंबर्स हम लोगों ने लिख दिया। वैसे तो होता है ना, देखें आपने क्या किया, आपके पास एक सेट ऑफ स्कोर थे, 10 स्कोर थे आपके पास, यानी कि एक बंदे का आंसर, एक बंदे की वैल्यू आई 1, दूसरे की 2 आई, तीसरे की भी 2 आई, उसके बाद इस तरह से आपके पास वो डिफरेंट होते हैं ना, एक से ज्यादा दफा भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पे ग्रुपिंग कर देते हैं। 5 स्टेप्स के अंदर आप पूरे का पूरा डेटा देख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसमें आप लोग बकायदा एक ग्रुप्स वगैरह बना लेते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो आप अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा 7, 8, 9 में, हम लोग पहले क्लास लिमिट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली क्लास लिमिट है हमारी
टेंथ से लेकर 19 तक, दूसरी क्लास लिमिट है हमारी 20 से लेकर 29 तक, इस तरह से। फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसमें 10 से लेकर 19 तक कितनी वैल्यूज मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल चार वैल्यूज आ रही हैं 10 से लेकर 19 तक, तो हम लोग उसको 10 से लेकर 19 तक की जो एक क्लास लिमिट है उसके आगे हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लिख देंगे, 4, ठीक है, जितनी ज्यादा दफा वो एग्जिस्ट करेंगी। पर्पस क्या होता है टेबल कंस्ट्रक्ट करने का, कि इसकी मदद से आप लोग एक ज्यादा सिंपल और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पिक्चर ले लेते हैं अपने डेटा की। इसको आप लोग पहले स्पोर्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं इंटरवल्स की फॉर्म में, और फिर उस इंटरवल्स को आप लोग टेबल में लिखते हैं। यहाँ पे तो अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने पूरा एक इंडिविजुअल स्कोर्स लिखे थे यहाँ पे, ये जो एक्सेल, ये इंडिविजुअल स्कोर्स हैं कि 5 स्कोर कितने लोगों के आए, एक बंदे के, 4 स्कोर कितने लोगों के आए, 2 के। तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्कोर्स लिखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, लेकिन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लोग इंडिविजुअल स्कोर्स के बजाय हम लोग इंटरवल्स की लिस्टिंग करते हैं, इंटरवल्स हम लोग इसमें लिख लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्योंकि इसमें हम लोग स्कोर्स की पहले ग्रुपिंग प्रेजेंट कर रहे होते हैं रादर देन द इंडिविजुअल वैल्यूज, और जो हम लोग ग्रुप से जो हम लोग इंटरवल्स वगैरह बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। जहाँ जब स्कोर हमारे होल नंबर्स होते हैं तो जो नंबर ऑफ रोज को हम लोग कैसे डिटरमिन करेंगे, हाईएस्ट स्कोर से लेकर लोएस्ट स्कोर तक, और इसमें हम लोगों ने इंटरवल्स 5 से 8 तक के इंटरवल हम लोगों ने बनाने होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे देखें ये पूरे कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है ना, इसी तरह से हम लोगों ने इंटरवल्स जब बनाने होते हैं तो आप लोग 5 से लेकर 10 तक के इंटरवल्स बना सकते हैं। इससे ज्यादा कि अगर आप लोग इंटरवल्स बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा आप लोगों का लंबा टेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल बताई है, एक इंस्ट्रक्टर है उसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 25, ठीक है। अब 25 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो पहला तो स्टेप ये होता है कि आप लोगों ने रेंज फाइंड आउट करनी होती है स्कोर्स की। रेंज फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू आपने देखनी है कि आप लोगों के डेटा के अंदर क्या है, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप लोगों ने देखना होता है। लार्जेस्ट वैल्यू में से आप लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 94 में से आप लोग 53 को माइनस करेंगे, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है टोटल, हमारे पास जो रेंज आएगी वो हमारे पास कितनी बनेगी, 42 वैसे बन नहीं रही, 313, खैर आप लोग इसको माइनस करके देख लीजिएगा, मैं इसको ठहरे कर रही लेती हूँ, मैं भी माइनस, ये बन रही है कोई 89 भी नहीं बन रही यार, क्या हो गया, 39 आई थिंक सो बनेगी। यानी मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से मैं कर लेती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने रेंज फाइंड आउट करना होता है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है 94, माइनस आपने करनी होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू, 41 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे आप लोगों ने टोटल रोज कितनी बनानी है, वैसे 41 आंसर आ रहा है लेकिन यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। 42 रोज फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए हैं एक टेबल के लिए, कि आप लोग 42 रो बनाते हैं, 42 रो अगर आप लोग लिखेंगे, यानी कि 42 उसमें ये देखें ना ऊपर जो हमारा टेबल था इसमें जस्ट ये 5 रोज हैं, 42 रोज बहुत बड़ा टेबल हो जाता है, उसको फिर समझना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले आप लोग एक अच्छा सा एक इंटरवल फाइंड आउट करेंगे कि आप लोगों ने कितनी इंटरवल की विड्थ रखनी है। वैसे तो इंटरवल की विड्थ हम लोग 5 से लेकर 10 के दरमियान तक ही रखते हैं, लेकिन अब कितनी रखनी है 5 से लेकर 10 के दरमियान, तो इसमें आप लोग ट्रायल एंड एरर अप्रोच को भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसका एक और भी जो होता है ना उसका तरीका होता है कि आप लोग उसको रेंज को फाइंड आउट करके उसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होती है, लेकिन यहाँ आप लोगों को वो कैलकुलेशन बताई नहीं हुई, तो आप लोग क्या करते हैं सिस्टमेटिकली आप लोग ये देख लेते हैं कि अगर आप लोग 2 की विड्थ रखें, आपके पास टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 42, ठीक है, रेंज आपके पास कितनी है 42 की, तो अगर आप लोग 2 की विड्थ रखें तो आप लोगों के पास कितनी इंटरवल्स बनेंगे, 21, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 5 की अगर आप लोग विड्थ रखते हैं तो आप लोगों के पास कितने इंटरवल्स बनेंगे, 9, 42 को आप लोग डिवाइड करें 5 के साथ तो तकरीबन कोई 9 ही बनते हैं, 5 9 10 45 होता है, ये भी बस ओके ही है। लेकिन अगर आप लोग 10 की विड्थ रखते हैं तो फिर आपके पास क्लास इंटरवल्स कितने बनने चाहिए, 5, ठीक है, क्योंकि 10 5 10 50 होते हैं। आप लोग 4th रखेंगे तो 40 इंटरवल्स होंगे ना, लेकिन आपके पास रेंज 40 से ज़्यादा तो आप लोग 50 रख लेंगे। अच्छा, उसके बाद इंटरवल विड्थ जो होती है अगर 5 की, अगर आप इंटरवल विड्थ ऑफ, अब आप लोग यहाँ पे 10 इंटरवल्स बनाएंगे,
और विड्थ आप लोग कितनी रखेंगे 5 की, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का जो सबसे ज्यादा लोवेस्ट स्कोर था डेटा के अंदर वो कितना था 53। अब आप लोगों की लोवेस्ट जो इंटरवल है वो उसके अंदर 53 होना चाहिए, यानी कि जो आप लोग पहला इंटरवल लिखेंगे ना, हम लोग क्या 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 कह रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने इंटरवल की विड्थ कितनी रखनी है 5, तो पहला इंटरवल हमें 52-54 का बनाना पड़ेगा, तब उसके दरमियान में हमारा 53 आएगा। 52-54 ही हमें पहला इंटरवल बनाना है, क्योंकि जो हमारी लोअर क्लास लिमिट है वो 5 की ही एक मल्टीपल होनी चाहिए, ठीक है। तो 50 से लेके 54 तक पहला इंटरवल बनेगा, फिर 55 से लेके और आगे 59 तक दूसरा इंटरवल बनेगा। इस तरह से आप लोग मुख्तलिफ किस्म के इंटरवल्स बना लेते हैं लाइक दिस, और आप लोग लार्जेस्ट से लेके लोएस्ट वैल्यू तक अगर बनाते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरवल्स बनेंगे। फिर आप लोग ये देखेंगे कि 90 से लेके 94 के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं, 85 से 89 के दरमियान कितनी वैल्यूज है, इस तरह से आप लोग फ्रीक्वेंसीज आगे लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आप लोग ये जो आप लोगों के पास टोटल पूरा एक टेबल ड्रॉ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और फिर इसी टेबल की मदद से आप लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ्स और चार्ट्स वगैरह ड्रॉ करते हैं। वो कैसे करते हैं, जब भी आप लोगों के जो भी डेटा है उसमें जो न्यूमेरिकल स्कोर्स हैं उन न्यूमेरिकल स्कोर्स को आप लोग मेजर कर सकते हैं इंटरवल या रेशियो स्केल पे, तो फिर आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि या तो आप लोग हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करेंगे, आप लोग पॉलीगॉन्स कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। कब करना है ये आप लोगों ने हिस्टोग्राम्स एंड पॉलीगॉन्स, जब आपके पास न्यूमेरिकल स्कोर हो और आप लोग उन न्यूमेरिकल स्कोर्स को इंटरवल या रेशियो स्कोर पे स्केल पे मेजर कर सके। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने अपने तमाम तर न्यूमेरिकल स्कोर्स को, यानी कि जो आपने कैटेगरीज वगैरह बनाई होती हैं उनको आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पहली कैटेगरी बना लेते हैं 90-94 की, दूसरी कैटेगरी है 85-89 की। आप लोग इस तरह से पूरी अपने हिस्टोग्राम की एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ कर लेंगे। इसमें आप लोग ये पूरी 90-94 नहीं लिखते, आप लोग हिस्टोग्राम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे हिस्टोग्राम में आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 50-54 से। तो हमारे हिस्टोग्राम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 50 है, ठीक है, और आगे यहाँ पे फिर हम लोग लिखेंगे 55, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 65। अब यहाँ पे 50 वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारे पास 1, हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग मार्किंग कर देते हैं, ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 है, ठीक है। अब 50 से 54 के दरमियान वैल्यूज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1, ये है 1 हमारे पास, तो ये हम लोग कर देते हैं 1, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी लाइन ऊपर जो है ना वो ड्रॉ कर ली 1 तक, ठीक है। अब उसके बाद 55 से लेके 59 तक की हमारे पास कितनी है फ्रीक्वेंसी, 5, 55 की लाइन कितनी थी हमारे पास, ये इसकी भी फ्रीक्वेंसी है 1, हम लोग इसकी भी ये लाइन जो है ना ये ड्रॉ कर लेते हैं 1 तक, इसको हम लोग इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है, ये बार बन गई हमारे पास। आगे 60 वाले की कितनी है हमारे पास, 3, ये 3 जाएगी यहाँ तक, ये हम लोग लाइन जो है ना वो ट्रेस कर लेते हैं, और ये हम लोग 60-69 जाएगी ना, ओहो सॉरी, ये पहले की थी, ये दूसरे की थी, 60-69 वाला है, तो ये हमारे पास जाएगा यहाँ तक। इस तरह से खैर आप लोग इस तरह से ना बार्स आप लोगों की ड्रॉ हो जाती हैं, इसको हम लोग फिर बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अगर आप लोगों का है तो जो बार की जितनी विड्थ होगी उसको आप लोग अपनी कैटेगरी की रियल लिमिट्स तक एक्सटेंड करेंगे, और अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं तो आप लोग क्या करेंगे उसको जो आप लोगों की करीब की जो कैटेगरी होगी उसके हाफ द डिस्टेंस तक आप लोग उसको एक्सटेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला डेटा है तो मैं इसको मैं थोड़ा सा पहले रेज कर लेती हूँ इंस्टाग्राम को यहाँ से, ये अच्छा। अब यहाँ पे देखें अगर तो आप लोगों का कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो आप बार कहाँ तक ड्रॉ करेंगे, ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये पूरी ये जो अगली लाइन होगी ना इस तक, ये मेरी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, ये ऐसे ऐसे आप लोग ड्रॉ करेंगे, फिर अगला वो जितनी लंबी बार जाएगी उसको आप लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर तो आप लोगों का कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो उसको आप लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर आप लोगों ने रियल लिमिट्स पे नहीं, आप लोगों ने ये ऐसे बार ड्रॉ करनी होती है, ये ऐसे, ये दरमियान तक आया, अगला जो है ये दरमियान तक आया, ऐसे आप लोगों ने
कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की जो है तो जो होती है वो रियल लिमिट्स तक जाती है, जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं उनकी हाफ द डिस्टेंस तक जाती है। सॉरी ये वाली जो मैंने की हुई है ना ये डिस्क्रीट वेरिएबल्स की होती है, जो मैंने पहले की थी वो किसकी होती है, वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल की होती है। इस तरह से हम लोग हिस्टोग्राम जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स में इसी तरह से जो आप लोगों के पास कैटेगरीज होती हैं मेजरमेंट की, उसको आप लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, जो आपकी वैल्यूज होती हैं उसमें आप लोग का बार नहीं बनाते, जस्ट आप लोग डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, डॉट्स आप लोग लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डॉट लगाती हूँ, मेरे पास पहली ऑब्जर्वेशन का जो है ना वो डॉट आएगा वन तक, तो ये है मेरे पास वन, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। ठीक है, दूसरी ऑब्जर्वेशन का भी वन है, मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। तीसरी ऑब्जर्वेशन का थ्री है, इसका डॉट ये यहाँ तक जाएगा। चौथे ऑब्जर्वेशन का फिर वन है, एक डॉट यहाँ तक आएगा। इसलिए आप लोग डॉट्स लगा के फिर इन डॉट्स को एक लाइन के थ्रू आप लोग कंबाइन कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, पूरे अपने डेटा के ना इस तरह से आपके पास वो एक माउंटेन की तरह का वो बन जाता है। एक लाइन के थ्रू आप लोग डॉट्स को फिर कर देते हैं ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद ये जो आपके पास पूरी लाइन आती है ना, इसकी शुरू से भी और एंड से भी आपने एक्स एक्सिस के साथ इसको टच कर देना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ये वाली लाइन थी, तो मैं क्या करूंगी कि ये मेरे पास इतने तक आया डॉट, तो मैं इसको ऐसे एक्स एक्सिस के साथ टच कर दूंगी बाद में, ताकि हमारा वो जो एक पूरा माउंटेन है ना वो हवा में ना खड़ा हो बल्कि वो जमीन पे हो। अच्छा, उसके बाद जो स्कोर्स ये तो हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग जो स्कोर्स न्यूमेरिकली जो हमारे स्कोर होते हैं जिनको हम लोग जो है ना इंटरवल जो रेशो स्केल पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, ये उनकी हम लोगों ने बात की थी। अब वो वाले स्कोर्स जो कि नॉमिनल या ऑर्डिनल स्कोर्स होते हैं, स्केल होते हैं, यानी कि जो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं रेशो स्कोर और इंटरवल स्कोर्स, वो जैसे एज है, उसके बाद आपका वेट है, वो सारे उसमें वो सारे होते हैं आपके रेशो या इंटरवल स्केल हम लोग उसको बोलते हैं। नॉमिनल या ऑर्डिनल होते हैं कि कोई चीज मेल है या फीमेल है, एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, यानी कि नेम्स की फॉर्म में हम लोग चीज़ों को मेजर करते हैं ना, वो हमारे होते हैं ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल्स। ऐसे स्केल्स के लिए जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ। इसमें भी क्या क्या होता है कि ये हिस्टोग्राम की तरह ही बनता है, लेकिन हिस्टोग्राम की जो बार्स होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन जो बार ग्राफ होता है इसकी बार्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं। ठीक है, जो नॉमिनल स्केल होता है उसमें जो स्पेस होती है बार्स के दरमियान वो एम्फेसाइज करती है, इस बात पे जोर देती है कि हमारा जो स्केल है उसकी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज हैं, जैसे एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, मेल है, फीमेल है, इस तरह से की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और जो हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है उसमें सेपरेट बार्स को हम लोग इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जितनी भी कैटेगरीज होती हैं वो सेम साइज की नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, सो दैट्स व्हाई हम लोग इसके दरमियान में भी बार्स के दरमियान एक सेपरेट स्पेसेस होती हैं। अब इसमें भी मेजरमेंट आप लोग एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं और फिर आप लोग बार्स जो है ना वो ड्रॉ करते हैं हर कैटेगरी की, और बार की अपनी हाइट कितनी रखनी होती है अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। ऐसे हम लोगों ने ऊपर वाले ग्राफ में देखा था ना किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी अगर थ्री होती है तो हम लोग बार थ्री तक ऊंची लेके जाते हैं, इस तरह से ये भी आप लोगों ने करना होता है। फिर आप लोगों ने ये देखना होता है कि आपका डेटा सिमेट्रिकल है या स्क्यूड है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि जो आपके पास कर्व बनी हुई होती है अगर आप लोग उसको दरमियान से कट डाउन करें तो दोनों साइड्स बिल्कुल एक जैसी हों, एक दूसरे का अक्स हों, एक दूसरे का मिरर इमेज हों। ठीक है, और स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है कि डेटा एक तरफ ज्यादा होता है दूसरी तरफ कम होता है, यानी कि अगर आप लोग कर्व को दरमियान से कट डाउन करें तो दोनों तरफ दोनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती। जैसे ये है, ये पूरी कर्व को मैं इधर दरमियान से कट डाउन करती हूँ तो ये और ये साइड दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। इस कर्व को अगर मैं दरमियान से कट डाउन करती हूँ तो ये भी देख लें, ये साइड और ये साइड ये भी बिल्कुल इक्वल है। लेकिन ये वाली जो है ना, अगर आप लोग इसको इधर दरमियान से कट डाउन करेंगे या इधर से कट डाउन करें तो ये दोनों एक जैसी नहीं है। इसको आप लोग कट डाउन करें ये भी एक जैसी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये होती हैं स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशंस और ये होती हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव स्क्यू और दूसरी होती है नेगेटिव स्क्यू। पॉजिटिव स्क्यू वो होती है जिसके लेफ्ट साइड पे डेटा ज्यादा होता है,
ठीक है, कर्व ऊंची जाती है और राइट साइड पे टेल होती है, ये देखें ये लंबी टेल है, ठीक है। नेगेटिव स्क्यू वो होती है जिसके लेफ्ट साइड पे टेल होती है और जो कर्व होती है, जो पीक होती है वो किस तरफ होती है, वो राइट साइड पे होती है। ये हम लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। बाकी ये इतना सा था आप लोगों का लेक्चर, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जस्ट आप लोगों ने अपना कंसेप्ट रखना है कि हिस्टोग्राम हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बार ग्राफ हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये इनकी इनको ड्रॉ करना भी आप लोगों को आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे नजर आती हैं, कैसे आप लोग इनको ड्रॉ करना होता है। बाकी कोई इसमें डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग मजीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अगर शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू।